authority of the Quadrant Controlling Department for the IAS. They spoke in detail, each one of them. I don't have to elaborate on what was said by them, but it appeared that they were feeling aggrieved. They wanted to be heard, so we heard them with patience. We took cognizance of all the inputs offered by them, and we told them that we would put across all these inputs which have been furnished by them before the concerned quarters. They've also submitted a memorandum enlisting some of their grievances, and very soon two or three representatives of them would engage in a discussion with the Secretary DOPT to put across various suggestions which they have relating to the guidelines laid down by the DOPT as far as the conduct in the administrative circles is concerned. Doctor Saab, Hindi. IAS adhikariyon ka ek delegation aaj DOPT mein yahan apni baat rakhne ke liye aaya tha. Unse badi vyapak charcha hui. Lagbhag aadha paun ghanta wo baithe. Usme bhin bhin IAS sansthaon ke pratinidhi the. IAS एसोसिएशन के पदाधिकारी थे, दैनिक एसोसिएशन के अधिकारी थे, एग्मट के अधिकारी थे, दास के अधिकारी थे, और वो कुछ अपनी बात रखना चाह रहे थे, और उनका कुछ ये भी कहना था कि उन्हें कुछ दिक्कतें हैं कामकाज अपना निभाने में, अपनी जिम्मेदारी निभाने में दिल्ली प्रशासन में, जहां वो इस समय काम कर रहे हैं. उन्होंने अपनी शिकायत और अपनी इनपुट्स को बड़े विस्तृत ढंग से समझाने का प्रयास किया, कुछ लिखित में भी दिया है. हमने उनकी सारी बातों का संज्ञान लेकर के उनसे ये कहा है कि ये जो भी इनपुट्स उनसे उपलब्ध हुई हैं ये संबंधित स्तर पर रख दी जाएंगी आगे के विचार के लिए. इसके अतिरिक्त इन तमाम दिल्ली प्रशासन में काम करने वाले आईएएस अधिकारियों की ओर से 3 प्रतिनिधि एक आध दिन में सेक्रेटरी डीओपीटी के साथ बैठ करके एक व्यापक चर्चा इस विषय को लेकर के करने में अपने आप को समय लगाएंगे कि किस प्रकार से जो डीओपीटी की गाइडलाइंस हैं उनका पालन होना चाहिए, हो रहा है कि नहीं हो रहा, किस प्रकार से एक वातावरण ऐसा बने कि कामकाज मिलजुल करके जनहित में और भारत सरकार की योजनाओं को एक सार्थक ढंग से, कंस्ट्रक्टिव ढंग से आगे ले जाने में हम सब एक दूसरे का सहयोग कर पाए, इस विषय को लेकर के इस पर आगे भी चर्चा होगी. सर, कॉर्नर अरविंद केजरीवाल व्हेन ही वाज आस्क्ड एंड यू नो दीज ऑफिसर्स हैव बीन वर्किंग फॉर हिज गवर्नमेंट, he refuses to take any responsibility even though he was present where the incident happened. Instead, he is asking for another case to be probed, you know, saying that why doesn't the judge Loya case be probed as effectively as this one? No, I don't have to get into that for the simple reason that these officers working in the Delhi administration, most of them from the IAS cadre, were here because DOPT is the cadre controlling authority and is part of our obligation towards them to listen to them and to ensure that they have a work friendly environment so that they can put up to the best of their potential, to the best of their performance in the larger interest of the nation. So that's our main concern in DOPT. जो इनके सलाहकार हैं वीके जैन, पहले उन्होंने कहा था कि उन्होंने कुछ नहीं देखा, लेकिन जिस तरह कल उनका जो बयान दर्ज हुआ उसमें उन्होंने कहा कि साफ तौर पर उन्होंने देखा कि हम जो आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं वो गिराकर मार रहे हैं चीफ सेक्रेटरी को. अब इस विषय को लेकर के संबंधित विभाग संज्ञान लेंगे, परंतु जैसे मैंने कहा हमारा एक सीमित दायित्व था, सीमित मैंडेट कि डीओपीटी चूंकि एक कार्डर कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, आईएएस अधिकारी के लिए अनुकूल व्यवस्था करना, अनुकूल वर्किंग वातावरण सुनिश्चित करना, ये भी डीओपीटी के दायित्व में आता है. उस नाते हमने उनकी बात सुनी है और उसका उचित संज्ञान लेकर के आगे क्या मत बनेगा उस पर विचार किया जाएगा.